कॉर्पोरेशन के हालात है ये जो गलियां कॉर्पोरेशन दे हाल जे 4 साल हो गए जे इनू पुट्टियां नु सीवरेज पा रहे ही सीवरेज तक पूरे होए नहीं कंप्लीट ज्यादा मिला हनु कुछ नहीं मिला नहीं विधायक विधायक को आपने दिखाया नहीं आप आइए आपने वोट ली है आप काम कीजिए विधायक आया नहींगा कभी नहीं आया उत्तो ही काम चलदा सब कुछ करी जांदे आ 5 साल हो गए इदा ही ये ऐसे ते हां जी ते पल्लियों पैसे लाए इन्होंने सारे ने 10-10,000 रुपया 10 साल हो गए बलारिए नु इथे बने नु 10 साल कालिया नाल ते 5 साल कांग्रेस नाल ते ए हालात कीते जो सब बलारिए हालात भी मंडी साल हो गए जी जेड़ा जो भी आता ना ये कर देंगे जो कर देंगे पर लेकिन आता कोई नहीं और हम तीसरी देर को देखेंगे क्योंकि हमने इन दोनों पार्टियों को 44 साल दिए हैं 19 साल उनको और 25 साल उनको दोनों पार्टियों को हमने 44 साल दिए हैं लेकिन इस बार हम नवी पार्टी को जो कि आम आदमी पार्टी है उनको मौका देना चाहेंगे इस बार नमस्कार स्वागत है हेलो पंजाब में हेलो पंजाब में हम अमृतसर के जीटी रोड से गुजर रहे हैं दबुरजी दबुरजी गांव में हम पहुंचे 200 साल पुराना गांव बताया जा रहा है लेकिन उसके हालात क्या हैं वो दिखाने के लिए हम पहुंचे कच्ची गलियां हैं आज भी कॉरपोरेशन में ये गाँव आया है और तकरीबन 74 में बताया जा रहा है कि कॉरपोरेशन में आया था लेकिन आज भी हालात क्या हैं आप देख सकते हैं ये हालात हैं यहाँ पर गलियों के और कुछ आप देखते होंगे कि गंदे पानी के लिए कुछ पाइपें पड़ी हैं वो भी यहाँ के जो बाशिंदे उन्होंने अपने पैसों से यहाँ पर ला के रखी हैं ताकि वो गंदा पानी निकाल सके ऐसे नरकीय हालात हैं और कहा जाता है कि सुधार किया है चन्नी सरकार ने अकाली सरकार ने तो वही जानने के लिए हम पहुँचे बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ बाबा कितने साल पुराना गाँव है आपका पुराना तो बहुत है साइज छोटे छोटे हर तो पहलों का बहुत है पुराना है। और कॉर्पोरेशन में तो भी पहलों का है कॉर्पोरेशन में कब आया कॉर्पोरेशन आया 74 का आया जी 74 हाँ 26 दे आज अब 21 साल 22 साल ये ला लो तो ये 74 ये कॉर्पोरेशन क्या कॉर्पोरेशन के हालात है ये जो गलियां कॉर्पोरेशन दे हाल जी 4 साल हो गए जे इन्हों पुट्टियां नु सीवरेज पा रहे ही सीवरेज तक पूरे होए नहीं कंप्लीट ज्यादा ते दोबारा फिर अही अपने जेड़ा अपना पानी है घर वाला वो डालर के लिए 10-10,000 रुपया लगाया इस हर घर से पैसे लगाए हर तो विधायक अपने आप लाए विधायक से नहीं मिले आप इस बारे कुछ में नहीं मिला हनु कुछ नहीं मिला नहीं विधायक विधायक को आपने दिखाया नहीं आप आइए आपने वोट ली है आप काम कीजिए विधायक आया नहींगा कभी नहीं आया उत्तो ही काम चलता सब कुछ करी जाते हैं देखिएगा ये हालात है और भी हैं क्या कहना चाहेंगे दबुरजी के ऐसे हालात हैं गलियां कच्ची हैं और सर मैं तो कहना भी ये मतलब बननी चाहिए सड़क सारी तो वधिया ते मतलब 5 साल हो गए इदा ही ते हाँ जी ते पल्लियों पैसे लाए इन्होंने सारे ने 10-10,000 रुपया तो क्या चाहते हैं जो विधायक बने आपका उससे क्या चाहते हैं किस तरह के काम यहाँ पर कराए जाए विधायक तो सर ना हो यहाँ वर्ग ही आम पार्टी आऊगी तो फिर जाके 15 साल हो गए बलारिए इतने बने 10 साल अकालिया नाल ते 5 साल कांग्रेस नाल ए हालात कीते जो सब बलारी 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है मौजूदा विधायक है सर बेड़ा गर्क करके रात बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा वो हालात है माता जी गलियां कच्ची हैं बारिशों में परेशानी होती होगी नहीं बहुत परेशानी वीर नंगिया नहीं पोत जांदा किते इन्ने किते मुश्किलां नाल लंघदे ते हाडे लोकां दे रिश्तेदार भी अब जब आपके विधायक दोबारा से वोट मांगने आएंगे वोट देंगे उनको वोट तो हम इदा ही नहीं फिर वेख वेख के हालात ने बंद की आखूगा नहीं दिती जानी माता जी हैं किस तरह जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए क्या लगता है कि किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे आप जेड़ा साडा काम करूगा उन्हें वोट देंगे जी तो किस पर उम्मीद लगती है कौन काम कर सकता है साडा एआरकी दा मकसद है भी तीसरी तरह सरकार लेगी हाँ जी तीसरी सरकार तो इस बार ना अकाली ना कांग्रेस ना बीजेपी आप किसी का कुछ नहीं खादा किसी का नहीं खादा कोई रिश्वत नहीं खादी साड़ी मर्जी है जिन्होंने मर्जी वोट पाइए छाती ठोकर कहेंगे काम करें नहीं किसी दे काम कहेंगे काम कीजिए ये गल साड़ियां गलियां पक्कियां बनाईया जान साढ़े जिहड़े बच्चे बजुर्ग ने बहुत परेशान ने असीं खुद परेशान है साढ़े घर रिश्तेदार आउंदे आ कि सानूं बड़ी मुश्किल हुंदी है साड्यां ने साढ़े रिश्तेदारां ने आउणा छड्या होया कि तुहाडियां नरक दियां गलियां विच किस तरह आई मतलब कहीं ना कहीं समाजिक प्रतिष्ठा है जो मान सम्मान है वो भी खराब हुआ आपका जी बिल्कुल एक गाड़ी है उसको भी चाहूँगा मैं एक बार साइड आ जाइए आपसे भी मैं जानना चाहूँगा यहीं के बाशिंदे हैं यहीं के रहने वाले जी 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 किस तरह के हालात कितने सालों से देख रहे हैं हालात भी 20 साल हो गए जी जी जेड़ा जो भी आता ना ये कर देंगे जो कर देंगे पर लेकिन आता कोई नहीं है उनसे भी आप यहीं के रहने वाले हैं गलियां कच्ची हैं गाड़ी लेके आने जाने में दिक्कत होती होगी प्रॉब्लम आती है देख रहे हो आप जी कैसे
निकलते हैं यहाँ से। तो क्या चाहेंगे इस बार, जब आपके हाथ में वोट का अधिकार है, पावर है, तो इस बार क्या बदलाव करना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? किन्नू भाई दसो जी, जो सुधार करे उसको देंगे? कोई नहीं है सुधार करना, उम्मीद किसी से नहीं है अब आपको, किसी तो फिर भी वोट तो देंगे आप? मैं नोटा का बटन दबना, नोटा बिल्कुल। देखिएगा, इनका जायज है, युवा है, वो समझते हैं इन चीज़ों को, और भी युवा साथी है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतने नाराज क्यों हैं, क्योंकि वो कहते हैं नोटा का बटन दबाएंगे। एक और युवा है उनसे, और मैं हालात भी आपको दिखाऊंगा एक बार। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो हालात है यहाँ के, गलियाँ कच्ची हैं और आप देख रहे हैं बुरा हालत है, तो इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? इसका जिम्मेवार हम खासकर उन पार्टियों को मानते हैं जो जहाँ की रवायती पार्टियाँ हैं जी, जी। और उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। 15 साल पहले बलारिया 15 साल यहाँ पर रहा है। मैं कहूँगा कैमरा मैन, आप वो दिखाइए, हम बात करते हुए चलेंगे। हाँ जी क्या किया उन्होंने 15 साल में? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जहाँ पर आप देख ही सकते हैं क्या हाल कर दिया गलियों का। जो जितना भी पैसा आता है, जितनी भी ग्रांटें आती है, सभी वो खा जाते हैं जी। वो जब वोट लेनी होती है तब आते हैं, नहीं तो देखते ही नहीं हमारी तक। तो इस बार किसको वोट देने वाले हैं, किसकी सरकार बनवाने वाले हैं? इस बार हम तीसरी तीर को देखेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों पार्टियों को 44 साल दिए हैं, 19 साल उनको और 25 साल उनको। दोनों पार्टियों को हमने 44 साल दिए हैं, लेकिन इस बार हम नवी पार्टी को, जो कि आम आदमी पार्टी है, उनको मौका देना चाहेंगे इस बार। तो उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुधार करेंगे, गलियों को पक्का करा देंगे? देखिए भैया, पाँच अगर मौका देंगे तभी तो पता चलेगा हमें। बिल्कुल, जब हम मौका ही नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा? देखिएगा, हालात आपको देख सकते हैं, गाँव की हालात अब कॉरपोरेशन में है, ये साउथ अमृतसर का हिस्सा है, और गलियों की हालात आप देख रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात में है। और अब एक और हैं वीर, क्या नाम है आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत, क्या कहना चाहेंगे जो हालात हैं आपके वार्ड की? हाँ, वार्ड की ये हमारी गलियों का सबसे मेन प्रॉब्लम, हमारी गलियों का है जी। हमारी चंगी अच्छी बड़ी गलियाँ थी जो तोड़कर सीवरे पाकर सीवरे पड़ बेड़ा गर्क कर दिया, जो थोड़ी बहुत थी बहुत अच्छी भी थी, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे घर पे इतना पानी आ जाता है, इनका जो भी पानी आता हमारे घर में, सारा पिंड का पानी हमारे घर में आ जाता है, पानी घर में हमारे आगे, हमारे बेड सब कुछ। तो अब किससे उम्मीद करेंगे कि सुधार हो? हम आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे। आपकी वोट है? नहीं, मैं अभी 17.5 साल का हूँ, पर मैं प्रचारक हूँ। मैं 18 साल जब हूँगा, पर आम आदमी पार्टी को ही वोट। मतलब अभी आप वोट नहीं देंगे, सपोर्ट करेंगे आप? हाँ, सपोर्ट करूँगा मैं। अभी देखो ना, मैं अभी 17.5 साल का हूँ, मेरी +2 पास हो रही है, नहीं हुई अभी की 3 साल हो गए, पढ़ाई भी नहीं हो रही। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मजदूरी का काम कर रहा हूँ, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा मेरे को। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, कब 3 साल हो गए मेरे को मजदूरी करनी पड़ रही है जी, जी। तो अब बदलाव चाहते हैं? अभी मैं काम कर रहा था, अभी मैं काम छोड़ के स्पीच देने के लिए सिर्फ आया हूं। देखिएगा, ये होता है जब एक मीडिया जन कहीं भी पहुंचता है, जहां हालत बुरी है वहां पहुंचता है, तो हर बंदा उम्मीद लेकर पहुंचता है कि अब उनकी कोई सुनने वाला है। इतनी तंग गली है, इतनी परेशानी है कि यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ियों को पास कराने में बड़ी दिक्कत होती है। अब देखिए गाड़ी कैसे यहाँ पर झूल कर जाती है, कितनी दिक्कत होती है, चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है इस तरह से। और सर, जो भी हमने यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अच्छा देख रहे हो ना, ये हमने सभी घर वालों ने ग्राही डालकर और फिर उसको थोड़ा सा बनाया है। बताया गया 10-10 हज़ार रुपये हर घर से इकट्ठे किए गए। माता जी, उनसे भी जाने, माता जी कितनी दिक्कतें होती हैं जब आप गलियों में निकलते हैं? बहुत ज़्यादा। तो क्या सरकार से, विधायक से उम्मीद करेंगे कि वो इसमें सुधार कराए, नर्क की जिंदगी से बाहर निकाले? आप तो बोलते हैं, हम तो करे तो फिर ही है ना, आई बारी वोटा ला के चल जाते, कोई सवार दे साडा है। इस बार सुधार के लिए वोट देंगे? दांगे। किसको वोट देने वाले हैं? जो हाड़ी सुधार अं तो हूँ आने आप, जरा सा सुधार ना गाड़ी सोचता वा उन्होंने वोट पावांगे सुधार के लिए। देखिएगा, वो परेशान है गलियों की हालत देख के, वो चाहते हैं कि यहाँ सुधार हो, जो सुधार करेगा उसको वोट दे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो भी यहाँ से विधायक चुन के आए, वो सुधार करें, दुबुर्जी का बुरी हालत को देखे और यहाँ पर सुधार करें, विकास के लिए वोट ये देते हैं तो बदलाव करें। यहाँ पर वोट लालच के लिए बिक जाती है, जब लालच आता है तो देखते नहीं आगे 5 साल में हमारा क्या होगा। ये तो
1,000-2,000 में ले लेंगे, बट आगे जो 5 साल जहां पर बतीत करने हैं वो कैसे बतीत करेंगे? बिल्कुल सर, सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बेड़ा गर्क हो उनका जो वोटें खरीदते हैं और बेड़ा गर्क उनका भी हो जो वोट बेचते हैं। वोट बेचने के बाद फिर वो उम्मीद करते हैं विकास की, विकास इसीलिए नहीं होता। इस बार उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपको विकास की तरफ लेकर जाए, जो विनाश की तरफ ना लेकर जाए। बनेगा कंचन टीवी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके भी यहाँ समस्या है पंजाब में, आपके शहर में, आपके घर में, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में अगर दिक्कत है तो कंचन टीवी से संपर्क करें और हमसे संपर्क करें, हम वहाँ पर आएंगे और आपकी समस्या दिखाएंगे और आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।